अभी हम फ्री हुए रात के 2 बजे, ठीक है। ये देखिए गाइस, मैंने ना इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में पहले कट किया। इल्सा हाय। हेलो। ब्राउन ग्रे है। ग्रे है। बस अब आज जो है ना, हम कल की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ये देखिए जी, ये है हमारे कल के सूट। ये देखिए गाइस, अभी हम फ्री हुए रात के 2 बजे, ठीक है, और हम ये स्टिकर अप्लाई करने वाले हैं। तो ये वाले स्टिकर मैं लगा रही हूँ, और ये स्टिकर मैं लगाऊंगी इल्सा के हाथ पे, पीछे पूरा लेस, और फिर फिंगर पे मैं खुद ही डिज़ाइन बनाऊंगी इल्सा के। और इल्सा नहीं बना पाएंगी डिज़ाइन फिंगर पे, तो इसलिए मैं ये वाला स्टिकर यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी लगाते हैं ना, तो फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि ये लगेगा कैसे। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता अभी ये लगेगा कैसे। ये शायद यहाँ से ना ये हटेगा। ये हटेगा। अच्छा, फिर ये हाथ पे पेस्ट होगा। ओके, तो चलिए अभी मैं अप्लाई करूँगी ना, तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने ना इसको ऐसे छोटे छोटे पीसेस में पहले कट कर लिया है, और ये भी बीच में से इसको भी कट कर लिया है, ठीक है। अब इसको पील करके ना हम अपने हाथ में पेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद इस पर कोन से मेहंदी लगाएंगे। ये रहा जी हमारा कोन। ये देखिए जी, अपने हाथ पे लगा तो लिए। सभी लगा रही है। रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, हमें पता नहीं कैसी बैठेगी, बट चले हाँ चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं। ये देखिए गाइस, हमने लगा तो लिए जैसे भी करके, अब देखते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे निकलते हैं। अभी हम इसे ट्राई होने देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। और इल्सा तो लगी पड़ी है, देखिए इल्सा के हाथ दिखाना। इल्सा, ये इल्सा का स्टिकर था। मुझे लग रहा है मेहंदी तो इल्सा काफ़ी हद तक सही लगेगी, है ना। होप सो। हल्की हल्की ड्राई होनी स्टार्ट हो गई है, अब ये ड्राई हो जाएगी ना तो फिर हटाएंगे। तो हम लोग जा रहे थे सुहान को लेके डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि सुहान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनको इतना ज़्यादा कोल्ड एंड कफ हो रहा था। तो सबसे पहले सुहान को दिखाने के लिए लेके गए। एक्सरे होने थे सुहान के, और चेकअप करवाया डॉक्टर को सारा, मतलब सब कुछ। तो डॉक्टर ने अपनी तरफ से मेडिसिन दे दी है, तो वो मेडिसिन चलेंगी। ये देखिए जी, सादिया हो गई है रेडी। घूम के दिखाओ। अरे वाह। बस अब इनका हेयर स्टाइल होगा, और हल्का पुल्का सा टचअप होगा मेकअप। और ये देखिए जी, ये इनकी कुर्ती इनकी नानी ने सी है। दिखाओ सादिया, पूरी दिखाओ। हाँ, अम्मी और सद्दू सेम सेम, और ये इनकी नानी ने सी है इनकी कुर्ती, जो इस लहंगे के साथ की थी ना वो काफ़ी छोटी हो गई थी, तो अम्मी ने स्टिच कर दी माशाल्लाह। और मैंने कपड़े पहन लिए, ठीक है, तो अभी मैं मेकअप करूँगी, और फिर उसके बाद आपको फुल लुक सबका दिखाएंगे। बाकी अंदर भी सब रेडी हो रहे हैं अभी, तो अम्मी को रेडी कर रहे हैं, फिर इल्सा रेडी होंगी। अच्छा, घर पर तो ना किसी का फुल लुक मैं कैप्चर नहीं कर पाई, सादिया का लुक कैप्चर कर लिया था। और बस उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी रेडी हुए, क्योंकि ड्राइवर आ गए थे, तो हमने फ़ौरन से निकलना था घर से। हमने कहा चलो ठीक है, वहीं जाके हॉल में जाके दिखा देंगे फुल लुक। बट बस जितना भी कैप्चर हो पाया ना उतना कर लिया था। और ये गाड़ी में बैठने के बाद मैंने कहा यार थोड़ा सा तो शूट कर ही लेते, तो बस ये थोड़ा बहुत शूट करा था। देखिए गाइस, हम लोग आ गए हैं, और माशाल्लाह अभी मैं आपको हॉल दिखाती हूँ। बस अभी हमने एंटर ही करा है, और ऐसा लग रहा है बस अभी हम ही हैं हॉल में, और कोई भी नहीं है। पूरा हॉल अभी खाली है, अभी कोई आया नहीं है। पूछो ना। और ये देखें, ये स्टेज है, और ये इल्सा। इल्सा हाय। ये देखिए गाइस, हमारा मेकअप। ये आईज का मेकअप, ये इल्सा का मेकअप, और हमारे लेंस। हम दोनों ने उल्टे लेंस लगाए, मैंने ब्लू लगाए हैं और इल्सा ने
ब्राउन ग्रे है, ग्रे है, दिख नहीं रहा मेरे लेंस, ब्लू है। और ये मेरा सद्दू पाला शाह माधुरी दीक्षित है ना। लाओ यहाँ पे जल्दी से, चलो बस अम्मा पिज़्ज़ा खिला दो। चलो चलो चलो, कहाँ है पिज़्ज़ा? बेटे अभी रेडी कर रहे हैं, ओवन में डाला है, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज है मंडे। तो आज हम लोग रात को ना, एक्चुअली हम लोग आ गए थे और इतना ज़्यादा थकान हो गई थी ना, तो बस कपड़े चेंज करे, नमाज अदा करी और फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो फिर बस अब आज जो है ना, हम कल की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं तो एक ही सूट लेकर आई थी, बट सादे के स्कूल के जो छुट्टियाँ थी ना, वो एक्सटेंड हो गई हैं 10 नवंबर तक की। तो मम्मी ने बोला अब तुम रिसेप्शन भी अटेंड करके चले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, रिसेप्शन अटेंड कर लेंगे, बट मेरे पास सूट नहीं है। मैं बस सिर्फ बारात के लिए सूट लाई थी, तो मैंने इस तरह का एक सूट निकाला है, तो वो भी आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी मैं। अगर वो सही फिट आ गया ना, तो फिर इंशाल्लाह वही पहनूंगी। और बच्चों के जो थे ना, वो तो कपड़े हैं मेरे पास, बच्चों के तो मैं एक्स्ट्रा पेयर रख के लाई थी, हमेशा से ही रखती हूँ बच्चों के एक्स्ट्रा पेयर, तो बच्चों के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा है थोड़ा डाउटफुल। तो लेट्स सी, वो पहन के देखेंगे, ट्राई करेंगे, अगर वो सही आ गया ना तो वही पहनूंगी। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ये है जी वो सूट जो हम पहनने वाले हैं, ठीक है। ये जो ब्लू वाला सूट दिख रहा है ना आपको, ये यूसरा का निकाला है मैंने, तो अगर ये सही फिट आ गया ना तो ये पहनूंगी मैं। और वो इल्सा का है, वो पीछे अम्मी का है, ठीक है। और बाकी सुहान की तबीयत का अपडेट ये था कि सुहान को ना निमोनिया का डाउट हो रहा था डॉक्टर्स को, बट अलग का शुगर है, 2 एक्सरे हुए तो उसमें दोनों एक्सरे में क्लियर आया कि निमोनिया नहीं है, नॉर्मल वायरल ही हुआ है। सुहान को तो अभी वो मेडिसिन पर है 3 दिन तक की, तो 3 दिन के बाद डॉक्टर को दोबारा दिखाना है। तो चलिए जी, अब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, नमाज अदा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें, अभी हम लोग ना कपड़े समेट रहे हैं, और कल के लिए निकाल रहे हैं क्योंकि कल है रिसेप्शन, और जो कल पहने थे वो कपड़े समेट के रख दिए, पूरा घर समेट लिया हम लोगों ने। और बस अभी डिसाइड कर लेना ना, वो वाला या ये वाला, अच्छा तो लगेगा, हैवी तो है बट कॉटन का है, वो भी अच्छा लगेगा ईद वाला। तब क्या करें, देखते हैं। और जी बस मेहंदी देखें कितनी प्यारी रची है, ये ना उसी का मतलब जो हमने वो लगाया था ना, मतलब मैं तो सोच रही थी शायद कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बस यहाँ पे हल्की सी गड़बड़ हुई थी तो वो मैंने बाद में कौन से ठीक कर लिया था। और इस हाथ की भी बहुत प्यारी लग रही है, ये देखें मेहंदी बहुत प्यारी लगी माशाल्लाह, है ना इल्सा, दिखाना तुम अपनी, ये देखें इल्सा की मेहंदी, पीछे से भी दिखाओ। तो चलिए बस अब ब्रेकफास्ट रेडी कर लेते हैं और फिर उसके बाद ना कल की तैयारी करेंगे, और आज का जो व्लॉग है ना वो एडिट करके अपलोड करना है, तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। ये देखिए जी, ये है हमारे कल के सूट, तो ये ब्लू और ब्लैक जो है ना, ये यूसरा का सूट है, तो अभी मैं पहनने वाली हूँ इसे, तो देखते हैं कैसा आता है। और बाकी वो इल्सा का है वेलवेट वाला, और इसके पीछे अम्मी का सूट है, यूसरा ने अभी नहीं निकाला है। और ये देखें, इन दोनों का अपने ही अलग चलता रहता है, पता नहीं क्या क्या।